2006 में लीप को लाकर एकता ने शो को नया मोड़ ही दे दिया है। शो में इस लीप के साथ जहां अमनदीप सिद्धू की एंट्री हो चुकी है, तो वहीं एक्टर प्रतीक सहजपाल भी शो में जल्द ही नजर आएंगे, ऐसी खबरें हैं। पर एक तरफ जहां शो नई स्टार कास्ट को लेकर खूब चर्चा बटोर रहा है, तो वहीं इसी बीच खबर सामने आई है शो के नए लीड एक्टर की फीस को लेकर। खबरें हैं कि शो के नए मेल लीड यानी कि प्रतीक सहजपाल को शो में एक एपिसोड के लिए काफी मोटी रकम दी जा रही है। आपको बता दें कि तेजस्वी की फीस को लेकर ऐसी खबरें थी कि तेजस्वी एक एपिसोड के लिए लगभग 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं और वो ही शो की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है। लेकिन प्रतीक की जो फीस को लेकर खबर सामने आई है, उसे देख साफ होता है कि प्रतीक भी तेजा से कम फीस नहीं ले रहे। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि प्रतीक को नागिन 6 के एक एपिसोड के लिए मेकर्स लगभग 2 से 3 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। यानी कि अगर वाकई ये खबर सच है और 2 लाख से ज्यादा प्रतीक की फीस है, तो वो ही शो के सबसे महंगे कलाकार हैं। हालांकि ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है, ना तो अपनी फीस पर तेजस्वी ने कभी कुछ कहा है और ना ही खुद प्रतीक ने। बता दें कि प्रतीक रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर खूब लाइमलाइट बटोर चुके हैं। प्रतीक स्प्लिट्स विला, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी 12 जैसे बड़े शोज में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियो भी कर चुके हैं। खबर है कि प्रतीक ने बिग बॉस के दौरान हफ्ते के तकरीबन 2 लाख रुपए फीस चार्ज की थी, तो वहीं खतरों के खिलाड़ी 12 के लिए 10 लाख रुपए पर वीक फीस ली। साफ है कि वक्त के साथ जिस तरह से प्रतीक की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोगों में उनके लिए क्रेज है, प्यार है, उसे देखते हुए मेकर्स अब प्रतीक को अपने शो में लेने के लिए भी क्यूरियस नजर आते हैं। वेल, प्रतीक नागिन 6 में कैसे नजर आएंगे, कैसे अपनी एक्टिंग का जादू बिखेरेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी।